मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 9 के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा विषय मैथ्स है, जिसमें हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वृत्त यानी सर्कल। तो आज हम लोग सर्कल से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन है वो देखेंगे और उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों का हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग नए चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर का नाम है वृत्त यानी सर्कल। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया है। तो अभी जैसे कि ये हमारा कंपास है, इसे सभी बच्चे जानते हैं, प्रकार है, ये पेंसिल है, ये प्रकार की नोक है। जहाँ पर हम प्रकार की नोक को फिक्स कर देते हैं वो वृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है। और इस पेंसिल और इस प्रकार की नोक के जो बीच की डिस्टेंस यानी दूरी होती है वो वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जो हर एक बिंदु पर देखिए सेम है, दिख रही है ना कहीं पर हमारी चिन्ह। और इसी दूरी को लेते हुए हम लोग चारों ओर एक घेरा बना देते हैं। तो इसके द्वारा हमें एक पूरा क्या बन गया, सर्कल मिल गया। और इस चारों ओर के घेरे को, ये चारों ओर के घेरे को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। तो बच्चों को यहाँ पर इतनी बात तो समझ में लग रही होगी, जो वृत्त का चारों ओर का घेरा है वो परिधि कहलाता है। यहाँ पर जो प्रकार की नोक हमारी फिक्स हो जाती है यानी एक जगह स्थित हो जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है यानी सेंटर। हमने मान लीजिए इस वृत्त के केंद्र को ओ से रिप्रेजेंट करा, तो केंद्र से वृत्त की परिधि तक की बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए ओ केंद्र ये है, घेरे तक का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप यहाँ ले लीजिए मान लीजिए ए पॉइंट, आप मान लीजिए इस घेरे की तरफ यहाँ बी पॉइंट ले लीजिए या यहाँ कोई सी पॉइंट ले लीजिए, हम कोई भी डिस्टेंस केंद्र ओ से मिलाएंगे, ओ सी कह लीजिए या ओ बी कह लीजिए, ये सब की सब वृत्त की क्या कहलाएंगी, त्रिज्याएं। वृत्त की त्रिज्याएं जितनी भी हों, एक से ज़्यादा या अनंत, बहुत सारी असंख्य हो सकती हैं। और सारी की सारी त्रिज्याएं वृत्त की कैसी होती हैं, समान। किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कि ये त्रिज्या दूरी इसकी अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। इंग्लिश में हम त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, जिसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमें वृत्त के बारे में क्या पता चल गया, केंद्र ओ पता चल गया, चारों ओर का घेरा जो कि परिधि कहलाता है, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी की वैल्यू होती है 2πr। पाई जो है हमारा, पाई का जो मान होता है वो 3.14 या 22/7 यानी 22/7 होता है, ये पाई का मान होता है। और आर जहाँ पर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो इस तरीके से हमने तीन बातें जानी। अब हम देखिए क्या देख रहे हैं, हमने एक त्रिज्या मान लीजिए ओ सी ली, सपोज हमने इसी सीध में एक डी पॉइंट ले लिया और सी डी को मिला दिया, सी डी को मिला दिया, लेकिन ये सी डी जो है वो कहाँ से होकर जा रही है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो ये पूरा का पूरा सी ओ डी वृत्त का क्या बन गया, व्यास, जिसे डायमीटर कहते हैं और इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो वृत्त का व्यास होता है वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जिस तरीके से वृत्त की एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, उसी प्रकार एक वृत्त में असंख्य व्यास हो सकते हैं। आप चाहें ओ डी कर ली, ओ सी कर लीजिए, सॉरी सी डी कर लीजिए, या आप यहाँ पर नया व्यास ई एफ कर लीजिए। व्यास हो गया मान लीजिए आपका ई एफ, तो यहाँ पर सारे व्यास जितने भी वृत्त में हम एक खींचेंगे, दो से ज़्यादा, सबके सब व्यास की जो डिस्टेंस होंगी, दूरियाँ होंगी, वो समान होंगी। और व्यास जो हुआ, एक तरीके से हमें ये पता चल गया, रेडियस का 2 times होता है, यानी एक व्यास, आप चाहे सी डी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ओ डी एक त्रिज्या है, ओ सी एक त्रिज्या, दो त्रिज्याओं को मिला दिया तो हमें क्या मिल गया, एक डायमीटर में व्यास मिल गया। तो इस तरीके से व्यास की हम डिस्टेंस हमारा होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी डी इज इक्वल टू 2r। तो इस तरीके से हम व्यास निकाल सकते हैं। और यहीं से हमें एक बात पता चल गई कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो आपने इतनी चीज़ें पता चली। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि जीवा क्या होती है, चाप क्या होती है। तो एक हम आपके सामने अब इसी में नहीं बताएंगे, इसमें बताएंगे तो आप
फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक हम आपके सामने नया वृत्त और बना रहे हैं, देखिएगा। एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, अब हमने जो पेंसिल वाली दूरी है केंद्र से वो हमने चारों तरफ घुमाई, इससे एक घेरा मिला जो परिधि हो गई वृत्त की, और फिर से एक हमने वृत्त बना लिया। ठीक, अब इस वृत्त में यहाँ पर ये हमारा वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र। चारों ओर का जो घेरा है वो वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि। अब मान लीजिए हमने क्या करा, अब हमारा जो दूरी है वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को परिधि पर, परिधि पर स्थित मान लीजिए दो बिंदु हमने ए ले लिए, बी ले लिए। आपने कहा नहीं हम तो यहाँ लेंगे, ठीक है आप यहाँ ले लीजिए। आपने क्या करा, हमने सी और डी ले लिए, हमने इन ए बी को मिलाया, या हमने परिधि पर स्थित दो बिंदुओं सी डी को मिलाया, जो भी मिला लीजिए, ये इस तरीके का जो रेखाखंड हमें प्राप्त होते हैं वो हमारी कहलाती है वृत्त की जीवा। क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा। अब आपने देखा कि जो जीवा होती है वो केंद्र से होकर नहीं गई, सिर्फ क्या कहा, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए हम वृत्त पर स्थित यहाँ पर एक बिंदु ई ले लें और दूसरा बिंदु यहाँ पर हम एफ ले लें और ई से एफ को मिला दें, लेकिन लकली ये ओ से होता हुआ निकल जाए, तो क्या ये जीवा होगी? बिल्कुल ये जीवा होगी, लेकिन ये ऐसी जीवा होगी जो एक व्यास होगी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो वृत्त का व्यास होता है, क्योंकि वृत्त का व्यास कंपलसरी है कि वो हमेशा केंद्र से होकर ही जाएगा, लेकिन जीवा चली जाए, क्योंकि जीवा की डेफिनेशन होती है वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इत्तेफाक से केंद्र से होकर चला गया तो ये भी जीवा है। तो इस तरीके से हमें पता चला वृत्त की सबसे लंबी जीवा एक व्यास होती है, लेकिन एक जीवा कभी भी व्यास नहीं हो सकता, बट एक व्यास जीवा हो सकती है। तो यहाँ पर हमने ये भी सीख लिया। अब हम एक वृत्त और फिर बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में हम आपको अलग अलग बातें बताने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमने फिर एक वृत्त बनाया और वृत्त बनाकर हमने देखना है कि वृत्त खंड कैसे बनते हैं। जीवा हमने सीख लिया, इसी के साथ साथ हम आपको एक चाप भी दिखा देते हैं। देखिए जैसे हमने ये एक वृत्त बनाना शुरू करा, अब यहाँ पर सपोज इतने हमने डिस्टेंस ले ली है, मान लीजिए ये डार्क कर रहे हैं, हम इतनी डार्क करके बता रहे हैं ये, ठीक है। तो एक ये ए और ये बी, ये हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप। तो ये आपका कहलाएगा, देखिए छोटा सा वृत्त का एक हिस्सा ही चाप कहलाता है, बहुत सारे हो सकते, तो यहाँ पर ये सबसे छोटा हिस्सा है तो लघु चाप कहलाएगा, लघु मतलब छोटा है ना। और देखिए क्या ये जो बाकी का बचा हुआ है वो चाप नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, वो भी वृत्त का चाप कहलाएगा, लेकिन ये चाप कहलाएगा हमारा वृत्त का दीर्घ चाप। तो इस तरीके से हमने जीवा के बाद चाप सीख लिया। अब अपने हमने अपने लोगों ने क्या करना, वृत्तखंड के बारे में करना है। कोई पॉइंट एक सी ले लिया, एक डी ले लिया, परिधि पर इसको मिला लिया और ये हमारी एक फिर क्या बन गई, जीवा बन गई। अब इस जीवा ने एक वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी दो खंड में हमारा क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो इन दो खंडों में हम देखते हैं कि वृत्त का ये भी एक हिस्सा है जो कि ये क्या है, छोटा सा है। देखिए थोड़ा सा पेंसिल से हम शेड कर दे रहे हैं आपको, इसमें से बार बार अभी निकालेंगे नहीं, ये हमने शेड करा, ये एक पार्ट बन गया छोटा वाला और एक शेड नहीं करा हमने, ठीक। तो ये बड़ा वाला, लेकिन इस तरीके के जो खंड बनते हैं वृत्त खंड, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाएगा लघु वृत्त खंड, यानी छोटा वाला लघु वृत्त खंड, और जो ये बड़ा वाला होगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। अब हम कुछ और चीजें भी आपको इसके अलावा बताना चाहेंगे। वो यहाँ हमने दो त्रिज्याएं ड्रॉ कर ली, एक OA और एक हमने क्या कर ली, OB। अब देखिए इन त्रिज्याओं ने भी तो देखा जाए इस वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि नहीं किया। एक तुम देख रहे हो क्या, ये छोटा वाला पार्ट्स है त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ हिस्सा, ठीक, जैसे लग रहा है कि किसी एक वाटरमेलन तरबूज से निकाला हुआ एक टुकड़ा है ना, और एक ये आपका बड़ा वाला पूरा हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अभी जीवा के द्वारा जो
खंड हो गए थे, तो लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड यहाँ त्रिज्याओं के द्वारा है तो ये कहलाएंगे त्रिज्य खंड। लेकिन कैसे, चूंकि छोटा वाला पार्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्य खंड, और जो बड़ा वाला पार्ट कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ वृत्त खंड ने जीवाओं के द्वारा दीर्घ वृत्त खंड लघु वृत्त खंड बनते और त्रिज्याओं से रिलेटेड जब बनते हैं तो हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस आपके जानने की दी। आपसे पूछा जाए कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, तो देखिए जैसे कई बार हम लोग बातों बातों में खेल भी करते हैं, बच्चे क्या करते हैं अपना कंपस ले लिया और जल्दी से एक क्या करा, एक सर्कल बनाया, जैसे कभी होता है ना ड्रॉइंग करने का मन हुआ, कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, फिर आपने चेंज नहीं करा, चलो पैटर्न बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, लो आज हम भी आपके सामने डिज़ाइन बना रहे हैं, हमने फिर देखो कुछ फिर ऐसे ही ऐसे बढ़ा दिया, कोई भी डिस्टेंस ले लिया आपने, कोई इशू नहीं है कि आपने 4 सेंटीमीटर ले ली, 5 सेंटीमीटर, आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पर केंद्र यानी सेंटर चेंज नहीं किया, सेंटर हमारा एक ही रहा, लेकिन हमने एक ही सेंटर के थ्रू हमने कितने सर्कल बना दिए, 1, 2, 3, एक ये छोटा वाला जिसकी रेडियस हमारी ये है OA, एक हमने दूसरा वृत्त बनाया जिसकी रेडियस है OB, और एक हमने रेडियस देखो यहाँ पर 3 सर्कल बनाए, तीनों की अलग अलग रेडियस है, मान लीजिए पहले की R1 है, दूसरे की R2 है, तीसरे की R3 है, या OA, OB, OC कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या देखा, एक ही केंद्र यानी कि जिस वृत्त कुछ भी हो सकते हैं लेकिन एक ही केंद्र वाले वृत्त जो होते हैं वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। मतलब सिर्फ वृत्त का क्या है, अलग अलग ना हो, यहाँ बनाया तो नहीं, एक ही अलग अलग नहीं होने चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, एक ही केंद्र, तो एक ही केंद्र वाले वृत्त जो होते हैं सकेंद्रीय कहलाते हैं। थोड़ी सी हम और बातें बता देते, बहिर्वार्ग यानी इंटीरियर आपको क्षेत्र बता देते रीजन, और एक्सटीरियर बना ले, देखिए वृत्त के अंदर वाला इंटीरियर रीजन कहलाएगा, जहां भी हम कुछ भी अंदर करेंगे, और यदि वृत्त के बाहर कोई काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर, है ना। जितनी हमने आपको चीज़ें बताई हैं उनको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और आप एक्सरसाइज ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। जो सवाल आपको ना समझ में आए तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और एक बार फिर से डेफिनेशन सारी रिवाइज करके ही तभी करिएगा, और हम आगे फिर जल्दी फिर से नए वीडियो में मिलेंगे आपको, और वृत्त से संबंधित और सवाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।